आंख में पड़ा तिनका, पैर में घुसा कांटा और रुई में दबी हुई आग, इससे भी भयानक है दिल में छुपा हुआ कपट और पाप। नमस्कार, बोलते तारे आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। राशिफल एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से आप आने वाले भविष्य के बारे में जान सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से और जानेंगे 10 फरवरी का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले जातकों की बात करें तो 10 फरवरी का दिन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। कल आपको अपनी जॉब से बड़ा लाभ हो सकता है और आपके पद परिवर्तन की भी संभावना है। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं कल उन्हें बिजनेस पार्टनर्स को लेकर भी लाभ मिलेंगे। वृष राशि वाले जातकों की बात करें तो कल का दिन आपके लिए बेहद सुखद रहने वाला है। व्यवसाय कर रहे जातक व्यवसाय में मनचाहा लाभ पाकर काफी खुश नजर आएंगे। जॉब कर रहे जातकों को 10 फरवरी अपना रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। कल आप नई वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं। और अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातकों की बात करें तो कल का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। बिजनेस कर रहे जातकों के लिए अनुकूल समय है। आप कार्य क्षेत्र में कुछ नीतियों और साथ ही नियमों का पालन करें, नहीं तो कोई बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। जॉब में स्थान परिवर्तन संबंधित कोई भी निर्णय सोच समझ कर ही ले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातकों के लिए 10 फरवरी का दिन आपके लिए बेहद सुखद रहने वाला है। गृह निर्माण के क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। आप कोई नया वाहन भी खरीद कर अपने घर ला सकते हैं। मकान दुकान आदि को खरीदने की इच्छा पूरी होगी। कर के बाद बात करेंगे सिंह राशि की और जानेंगे 10 फरवरी का दिन सिंह राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वाले जातकों की बात करें तो कल का दिन आपके लिए शुभ है। जॉब कर रहे जातकों की बात करें तो कल का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। आपको अपनी जॉब में किसी नवीन उत्तरदायित्व से लाभ प्राप्त होगा। आपके पद में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातकों की बात करें तो कल का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। व्यवसाय कर रहे जातक व्यवसाय में अपनी रुकी हुई योजनाओं को शुरू करने में व्यस्त रहेंगे। व्यवसाय में किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करने से बचना होगा, नहीं तो आपको कोई धोखा भी दे सकता है। चलिए बात करते हैं तुला राशि की और जानेंगे 10 फरवरी का दिन तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले जातकों की बात करें तो कल का दिन आपके लिए खुशियों से भरा हुआ रहने वाला है। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं कल उन्हें मनचाहा लाभ प्राप्त होगा, जिससे वे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना पाएगा। कल आपको कुछ खर्चे आएंगे जो आपको ना चाहते हुए भी करने होंगे। और अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात करें तो कल का दिन आपका मिला जुला रहने वाला है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो कल का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। परिवार वाले सभी मिलकर किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर जाएंगे, जहां सभी लोग खूब खुश नजर आएंगे और आपके मन को शांति मिलेगी। और अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले जातकों की बात करें तो कल का दिन आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। व्यवसाय कर रहे जातकों को सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। जॉब में उन्नति के संकेत है। ससुराल पक्ष से भी आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है। संतान पक्ष की ओर से कल आपको कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है, जिससे आपको अपनी संतान पर गर्व महसूस होगा। और धनु के बाद बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वाले जातकों की बात करें तो कल का दिन आपका मिला जुला रहने वाला है। शिक्षा में सफलता मिलेगी। धन के मामले में कल का दिन अच्छा रहेगा। कल आपको अपनी गलती से सीखने की आवश्यकता है। जॉब कर रहे जातकों के लिए कल का दिन कुछ खास नहीं रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातकों की बात करें तो कल का दिन आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आपको सभी क्षेत्रों में कुछ ना कुछ समाचार सुनने को मिलेगा। राजनीति में लाभ रहेगा और साथ ही व्यवसाय में नवीन कार्य आरंभ होंगे, जिससे आपके व्यवसाय के प्रगति देखने को मिलेगी। और अब बात करेंगे अंतिम राशि मीन की। मीन राशि वाले जातकों की बात करें तो कल का दिन आपका बेहद सुखद रहने वाला है। कल आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। शारीरिक समस्या चल रही है तो उसमें लापरवाही बिल्कुल ना बरते। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। बोलते तारे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।